अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज आरफीन नामा में हम बात करेंगे सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के एक धुआंधार, एक धांसू परफॉर्मेंस की जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ सिंध असेंबली में दी। सिंध असेंबली में ऑन द फ्लोर खड़े होकर के और उन्होंने हीरोगिरी का ठीक ठाक मुजाहरा किया। उन्होंने काफ़ी जज्बाती अदाकारी के जौहर दिखाए। आज की इस वीडियो में हम उनका और उनकी इस अदाकारी दोनों का पोस्टमार्टम करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जिसे कहते हैं शर्जील इनाम मेमन, ये दरहकीकत चीज़ क्या है। शर्जील इनाम मेमन साहब से ज़ाती वाकफियत और उनके बारे में मेरी क्या थाट्स हैं, मैं उसको आखिर में उठा रखता हूँ। सबसे पहले उनके बयान पर आ जाते हैं, इसलिए कि उनके बयान में खाने कमाने के लिए इतना मौका दिया गया है कि अलमान अल हफीज़ फरमा रहे हैं, कराची में अब हड़ताल नहीं होती, गाड़ियां नहीं जलाई जाती, भत्ता नहीं लिया जाता। ओके, ठीक है, मान लिया कराची में अब हड़ताल नहीं होती, लेकिन जिस वक्त कराची में हड़ताल होती थी उस वक्त का जवाब कौन देगा? मान लिया कराची में आज हड़ताल नहीं होती, गाड़ियां नहीं जलाई जाती, लेकिन जिस वक्त कराची में मालिकों से उनकी गाड़ियां छीन कर उनके सामने आग लगा दी जाती थी उस वक्त का हिसाब कौन देगा? मान लिया कराची में आज भत्ता नहीं लिया जाता, एमक्यूएम भत्ता नहीं लेती, लेकिन जिस वक्त एमक्यूएम ने भत्ता, जुल्म गारत और आतिशजनी का कुछ तो खून का बाजार बरपा कर रखा था, उस वक्त तुम्हारे हाथों में चूड़ियां और तुम्हारे कानों में झुमके क्यों थे? उस वक्त ये शेरे नर वाली अदाकारी कहां थी? उस वक्त तुम्हारा वो कूलर वाला बाबा कायम अली शाह, जिसको भंग पीने से फुर्सत नहीं थी, मैंने नेशनल टेलीविजन पे बैठ के उसको कूलर वाला बाबा कहा है। चेक करो मेरे प्रोग्राम्स, और अगर ऐसा ना हो तो तुम्हारा जूता अपने सर पर रख करके सिंध असेंबली पैदल आऊंगा। तुमने दरहकीकत एमक्यूएम वालों से नहीं, तुमने माजिरों से जुबान लड़ाई है, और एमक्यूएम वाले ये बदजात, ये तो चोर हैं साले, ये डकैत हैं, ये मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, ये एमक्यूएम के दीगर, ये तो सारे डाकू हैं, ये चोर की बदतरीन शक्ल है साले, ये हराम खा खा करके इनके मुंह जद गए, ये तुम्हें क्या जवाब देंगे? इनकी ऐसी की तैसी, ये साले एस्टेब्लिशमेंट के पाले हुए लोग हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कल भी चलते थे, कल भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं, और उन्हीं के आंख के इशारे के ऊपर ये चुप रहते हैं। मेरे साथ ऐसा कोई आरजा लाहक नहीं है भाई। मुझे तुम बात कर रहे हो कि आज कराची में ये सब कुछ नहीं होता, मैं तुमसे ये पूछने की जसारत चाहता हूं मेरे भाई, कि जिस वक्त कराची में सब कुछ हो रहा था उस वक्त भी तो कराची में, सिंध में भुट्टो जिंदा था, उस भुट्टो को मौत क्यों नहीं आ रही थी? उसको शर्म क्यों नहीं आ रही थी? भुट्टो के नाम लेवाओं को, तुम लोगों को, आसिफ अली जरदारी को, फरियाल तालपुर को, बिलावल भुट्टो को, तुम लोगों को हया क्यों नहीं आ रही थी? आज तुम चौड़े होकर के असेंबली में कह रहे हो कि आज ये सब कुछ नहीं होता। अबे आज अगर ये सब कुछ नहीं होता तो इसका सबब वो ऑपरेशन था जिसके असरात भी अब नहीं है कराची में, वो कराची ऑपरेशन जो हुआ तो वन साइडेड था, जिसने एएनपी को बिल्कुल नहीं छेड़ा लेकिन जिसने एमक्यूएम को मार मार के सीधा कर दिया। बात ठीक है, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या लेने देना है? तुम्हारा वो रिटायर्ड हर्ड कप्तान, तुम्हें लगता है कि उसने कराची में अमन अमान कायम किया? तुम्हें लगता है तुमने अमन अमान कायम किया? और नहीं भाई, क्या हो गया? खुदा का खौफ करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कराची में जिस वक्त यहां से भत्ता लिया जाता था, अल्ताफ हुसैन भत्ता लेता था, कराची में जिस वक्त यहां बल्दिया टाउन की फैक्ट्री जली थी, तुम्हारा वो पिंक टाई वाला रहमान मलिक यहां से सेटिंग कराने के लिए वहां गया था, क्या ऐसा नहीं है? कुरान पे ओथ लेकर के बात करो, क्या कराची में अल्ताफ हुसैन जिस वक्त कॉल देता था तो रहमान मलिक पिंक टाई वाला बाबा यहां से जब अल्ताफ हुसैन के पास जाता था तो क्या उसके पास उसके अकाउंट में पैसों की फरावानी कुछ और बढ़ नहीं जाती थी? तुम इस बात से इनकार कर सकते हो? तुम इनकार नहीं कर सकोगे। वही वही बेकार जज्बाती अदाकारी, कराची सिंध है और सिंध रहेगा। अबे है तो क्या हुआ? सिंध में क्या है? अगर कराची निकाल दो तो सिंध में क्या है? कराची सिंध समेत सिंध, सिंधियों को, पंजाब को, पंजाबियों को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, सबको पाल रहा है, कराची पाल रहा है। कल बंगाल के ऊपर जुल्म सितम हो रहा था, आज कराची के ऊपर हो रहा है। कल बंगालियों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा था, आज कराची वालों के ऊपर हो रहा है। कराची वालों में यह है कि बेशर्म मुत्तहदा वाले तुम्हारे हाथ चढ़े में, उनकी फाइलें तुम्हारे पास हैं, कोई साला जिनाकार, कोई शराब का सप्लायर, कोई गुटखे का सप्लायर, कोई लड़की का सप्लायर, और तुम लोगों की भी जाहिर है, तुम लोग भी तो नाड़े के ढीले ही हो, तो तुम लोगों ने उनसे सेटिंग नहीं करनी है तो किससे करनी है? एस्टेब्लिशमेंट हो या सियासतदान, सारे मतलब ये सारी बुराइयां तो सब में है ना। लड़की तुम लोगों को भी चाहिए, वहां पे भी मामले आते हैं, वीडियो उनको भी चाहिए होती है, ऑडियोज के बलबूते पे, वीडियोज के बलबूते पे तुम्हारी सियासत भी चल रही है।
शराब में तुम लोग भी अगर ना नहाओ तो तुम्हारा भी दिन नहीं निकलता, और वहां तो हो, वहां तो मामलात ही अलग है, वो तो सब जायज है, क्योंकि परचम पाकिस्तान का छोटा सा नन्ना सा लगा लिया, उसके बाद सब जायज हो जाता है, उसके बाद सब जायज हो जाता है। तुम सन ऑफ द सॉइल के नाम पर अपने सारी हरामकारियों को हलाल कर लेते हो, उनके पास पाकिस्तान का झंडा है जो उन्होंने यहां लगा लिया, अब वो रॉ चीफ के साथ मिलकर के किताबें लिखें या कुछ भी करें, कोई माँ का दीना, कोई जज उनके खिलाफ बात नहीं सुन सकता। ये आजाद अदलिया जिसको मुंह दिखाने लायक नहीं है, 130वें नंबर पर भी जिसको नहीं होना चाहिए था, वो कहती है, वो जज कहता है कि मुझे नजला हो गया, मैं केस नहीं सुन सकता। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वो दीवार की दूसरी तरफ देखने लगता है, उसको पता है माँ बहन हो जाएगी। दोबारा कहता हूं, चीफ जस्टिस को पता है उसकी मां बहन बराबर हो जाएगी अगर उसने इस तरफ केस की तरफ सुन लिया। असद दुरानी अभी भी यहीं बैठा हुआ है भाई, असद दुरानी वाले केस का भी तो कुछ नहीं हुआ। शर्जील इनाम मेमन हमें ये बता रहे हैं, कराची सिंध है और सिंध ही रहेगा। ये जज्बाती किस्म की टपोरी अदाकारी करके तुम उन बेचारे सिंधियों को, उन बेवकूफों को, तो जिनको अंगूठा लगा लगा करके तुमने, जिनको एक नौकरी एक घर में दे करके तुमने भुट्टो को जिंदा किया हुआ, तुम उनको मुतासिर कर सकते हो। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, कह रहे हैं किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि हमें रोक सके। मैं बाप का तो नहीं कह सकता भाई, लेकिन मैं गुनाहगार बेटा उस मरहूम बाप का, मेरे अंदर इतनी हिम्मत जरूर है कि शर्जील इनाम मेमन ने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है मेरे हॉट सीट के उस एक इंटरव्यू के बाद। मैंने शर्जील इनाम मेमन का एक इंटरव्यू किया और उसके बाद इनका ऐसा बुरा असर हुआ कि इन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं वाहिद इंटरव्यू मैंने वजीर आला उसमें इस मुराद अली शाह वजीर आला का किया, इस मुराद अली शाह ने मेरे एक सोर्स के सामने सिंधी जुबान में गुटर गूं करके इसने उस सवाल का हवाला दिया जो मैंने ऑन एयर मुराद अली शाह से पूछा था कि आप और शर्जील इनाम मेमन फला मुल्क में, मुल्क कौन सा था मुझे इस वक्त याद नहीं है, एक वीडियो का जिक्र मैंने किया जिसमें शराब के बार से ये बाहर निकल रहे थे, शराब के बार से तुम दूध पी करके निकल रहे थे या वाज करके निकल रहे थे या वहां भी भुट्टो के जिंदा होने का सबूत देने गए थे तुम शराबियों को। तुम लोग तो इतने कमजोर हो यार, किसने कहा है तुम वजीर आला हो? वजीर आला की हालत ये थी, वजीर आला हाउस में अमन अमान के ऊपर ब्रीफिंग दे रहा है और मैं बैठा वहां हंस रहा हूं, तो मुझे उंगली से यूं 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 इशारा कर रहा है डाइस के ऊपर खड़ा हुआ के सवाल नहीं पूछना। नासिर शाह ने मुझे फर्रा लिख करके भेजा, आरफीन भाई नो क्वेश्चन प्लीज। नासिर हुसैन शाह अभी भी वजीर है, ऑन एयर बोल रहा हूं, इसको कॉपी करो और नासिर शाह को दिखाओ और नासिर शाह से कहो आए ऑन एयर झुटला दे इस बात को। मुराद अली शाह से कहो कि उसने इनकार कर दे कि नहीं आरफीन को इशारा नहीं किया था। तुम लोगों से बड़ा तो हल्का आदमी कोई नहीं है यार, तुम लोग उससे वजीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, ये प्रोटोकॉल की गाड़ियों में तुम लोगों में है क्या दमखम? कुछ भी नहीं है। तुम्हारे भी वजीर आला हाउस में एनक्यूएम के पेड रिपोर्टर को मैंने मादरजात गालियां दी थी और नासिर शाह मुझे यूं पकड़ करके और छुड़ा रहे थे, याद है? एनक्यूएम का वो पालतू कुत्ता जो आज भी रिपोर्टिंग कर रहा है एनक्यूएम के लिए, नासिर शाह ने ही मुझे छुड़ाया था ना, मैं मादरजात गालियां दे रहा था वजीर आला हाउस में। वजीर आला हाउस क्या होता है यार, एक आदमी है जो अवाम का नौकर है, उसका वो वजीर आला है और उसका घर का नाम वजीर आला हाउस है, तो इसमें क्या होता है, वो कोई मुकद्दर चला है ऐसी की तैसी। 50 बिकाऊ तुम्हारे पास आते होंगे भाई, मगर अपना मामला जरा अलग है। तो बाप की हिम्मत को छोड़ो, इस बेटे का जवाब दे दो। और अगर तुम्हें अगर इतनी मर्दानगी है, तुम इतने सारे गनमैन लेकर के चलते हो, इतनी सारी ब्रांडिंग तुम अपने बेटे की कर रहे हो, उसको भी तुम्हें सियासत में लेकर के आए हो, अब चाहे उसको अंगूठा भी लगाना ना आता हो, लेकिन चूंकि वो मानू है, चूंकि उसके सर पे सिंधी टोपी है, चूंकि उसने अजरक का कवर लिया हुआ है, चूंकि उसको गटर गूं करके तुंजो नालो छा आए करना आता है, इसलिए वो एन मेरिट पे है। मैं तुम्हें, तुम्हारे वजीर आला को, तुम्हारे कायदे तहरीक बिलावल भुट्टो को, उनके पापा जानी आसिफ अली जरदारी को, तुम्हारी पूरी पार्टी को चैलेंज करता हूं, नूरुल आरफीन सिद्दीकी के सामने आ जाओ, एक इंटरव्यू जरा मुझे देने की गलती कर डालो। उस शराबी कबाबी सियासतदानों की तरह, शराबी कबाबी जानी और वीडियो वाले जो है वो साथियों को इंटरव्यू देकर के क्या बनेगा? हम भी तो पड़े हैं राहों में, जरा नंबर मेरा अनब्लॉक करो, चलो मेरा नंबर अनब्लॉक करो, मुझे इसी यूट्यूब चैनल आरफीन नामा पे 5 मिनट का एक सेगमेंट करने की जरा इजाजत दे दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कितने बड़े वजीर हो। कहते हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की जहां तक बात है, हम उस पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। कराची में हजारों अफराद अपनी मता अपनी जमा पूंजी से महरूम हो चुके हैं और ये बेशरम वजीर खड़े होकर झूठ बोल रहा है। ये बेशरम वजीर जिसका नाम शर्जील इनाम मेमन है खड़े होकर झूठ बोल रहा है। मैंने डेटा शेयर किया था तो ये सामी अब्राहम, वो जो मुसलमानों जैसा नाम रख करके, वो जो चुटिया वाला बाबा, वो सामी अब्राहम को
आईजी और उसके चमचों ने, उसके कराची पुलिस के गुमाश्तों ने टेलीफोन किया और फिर वो बेचारा वो चुटिया वाला बाबा जो मेरी क्लिप्स बना बना करके शोएब शेख को दिखा दिखा करके अपनी दिहाड़ियां लगवाता था, उसको लगता था कि इस तरह से वो मेरा कुछ काट लेगा। तुम उन जैसे साफियों के साथ सही रहते हो, सामी अब्राहम चुटिया वाले बाबा अमरीकी। स्ट्रीट क्राइम्स पे काबू पाना तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, तुमने पुलिस के नाम पर अपने जाति गुलाम पाले हुए हैं, ये आईजी के नाम पर तुम्हारा जाति मुलाजिम है, ये क्या करेगा? यहां नार्दन बाईपास पे लोगों का जाना मुश्किल हो गया है, यहां नार्दन बाईपास को छोड़ो कराची के अपने अंदर घर के बाहर आदमी लुट जाता है, पुलिस जग मार रही है, पुलिस वीवीआईपी ड्यूटियां कर रही है, तुम जैसे करप्ट क्रिमिनल्स के घरों के बाहर खेमे गाड़ करके और ये सत्तू पी रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन, शर्जील इनाम मेमन के आका, उनके आका, उनके आका और उनके आका, इन तमाम को मेरा चैलेंज है, एमक्यूएम को मुखातिब करते हुए उनका नाम लिया करो, माजरों को मुखातिब करके कोई बात आइंदा कभी मत करना, और ये सड़क छाप पुदीने वाले दो दो पैसे के, दो दो टके के कराची प्रेस क्लब में तुमने अपने गुमाश्ते छोड़े हुए, इनसे कहो अपनी औकात में रहें, इनसे कहो अपनी औकात में रहें, इनका कद मेरे कद के बराबर न कल था अल्हम्दुलिल्लाह ना आज है, ये सब मिल करके भी भौंकेंगे तो मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरा करने के लिए तुम्हें ही कमर कसनी होगी, और मुझे पता है तुम्हारी कमरिया में इतना दम नहीं है।